हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हम लोग को बताना है। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन उसको आसानी से बैलेंस किया जाता है उसके फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्टेंट जो भी है और प्रोडक्ट जो भी है उसके फॉर्मूला से इसको इजिली बैलेंस किया जा सकता है। सपोज कर लो कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवा देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, तो O2 के फॉर्म में रहेगा और ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये हम लोग को ये फॉर्मूला और सिंबल हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और फॉर्मूला और सिंबल लिखने से ये बैलेंस नहीं हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये हम मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम इस तरफ में भी एक है, दूसरी तरफ में ऑक्सीजन दो है, और जबकि एक दूसरी तरफ में देखोगे ऑक्सीजन एक ही है, तो ये पूरी तरीका से बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजिली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सिर्फ फॉर्मूला जानने से ये बैलेंस नहीं हो सकता है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।